press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning, students. I am Sunny sir. So I am going to discuss a story which is for class 8, lesson 2, A Secret for Two. शीर्षक का हिंदी जो है दो के लिए रहस्य। पहला पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि पायरी डुपिन जो है मिल्क डिलीवर करते हैं प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट में 30 सालों से। प्रिंस एडवर्ड जो स्ट्रीट है वो वहाँ के जो फैमिली है, वहाँ के फैमिली के जो लोग वहाँ रहते हैं वो उनको जो है वो दूध डिलीवर करते हैं 30 सालों से। और वो जो स्ट्रीट्स है वो स्ट्रीट्स जो है मॉन्ट्रियल सिटी का सबसे छोटा स्ट्रीट्स है जो कनाडा में पड़ता है। उनके पास एक उजला घोड़ा होता है जो क्या करते हैं उसे कि मिल्क के वैगन जो है, मिल्क का जो गाड़ी है, वाहन है, उसको खींचते हैं। और ये जो हॉर्स है उस गली के पूरी गली प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट जो है उससे भली भांति परिचित है। और हॉर्स जो है ये काम 15 सालों से लगातार करते आ रहा है, मिल्क वैगन को ढूंढने का काम करते आ रहा है। When Joseph the Beautiful White Horse first came into the stable of the provincial milk company, जब जोसेफ जो है सुंदर वाइट हॉर्स जोसेफ जिसका नाम था वो प्रोविंशनल मिल कंपनी में आया के अस्तबल में आया, तो पायरी जो है जो उसको चला रहा था वो क्या किया कि उसको उसके सॉफ्ट हेयर उसके गर्दन पर जो है एक मुलायम सा बाल जो है गर्दन पर उसको मारता है, स्ट्रोक करता है उस घोड़े के। तो घोड़ा एंड लुकड इन टू हिज आइज, फिर क्या करता है उसके आँखों में वो देखने लगता है तो वो घोड़ा जो है रुक जाता है। फिर बताया जा रहा है कि ये जो घोड़ा है ये जेंटल है, फैथफुल है, वफादार घोड़ा है। पायरी कहता है फिर कि मैं ये जो घोड़ा है इसमें फैथफुल स्प्रिट है, जोश है, उत्साह है और इसके आँखों में मैंने देखा है। ये कह रहा है कौन, पायरी बता रहा है कि इसके आँखों में मैंने एक उत्साह देखा है। ही विल पुल माई मिल्क वैगन, ये जो है मेरे दूध का जो वाहन है इसको खींचेगा। मिस्टर जैक द मैनेजर ऑफ द स्टबल एग्री विद पायरी, तो मिस्टर जैक जो होते हैं मैनेजर होते हैं उस स्टबल का, वो सहमत होते हैं इसके बाद से कि ठीक है आप ये काम कीजिए। अगले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि प्रत्येक सुबह पायरी जो है क्या होता था कि अस्तबल में प्रिंस प्रोविंशनल मिल कंपनी में 5 बजे जो है सुबह डेली 5 बजे पहुंच रहा था। ये जो मिल्क का वैगन है वही वाहन है बंधा होता था जोसेफ से, जोसेफ जो घोड़ा का नाम था। इट वुड बी लोडेड विद द मिल्क बोटल्स, ये जो है दूध के बोटल से लोडेड होता था। पायरी जो है क्लाइम्ड इनटू हिज सीट, जैसे पायरी क्या करता है कि अपने सीट पर चढ़ता है द हॉर्स फिर क्या करता है अपना सिर मोड़ लेता है। गेटिंग ए नॉड, और वो मास्टर के आदेश को सुनता है। मास्टर यानी कि यहाँ कहने का क्या है जो उसका मालिक है, तो उसके आदेश को वो सुनता है कि आदेश देते हैं या नहीं। तो जैसे ही सिर का जो नॉड मिस होता है, सिर का जो इशारा सुनता है तो जोसेफ क्या करता है, जोसेफ मतलब वो घोड़ा जो है उस वैगन को खींचने लगता है प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट की ओर। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस, जैसे ही वो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट में पहुंचता है तो पहले घर में पहुंचता है और इंतज़ार करता है तब तक जब तक पायरी जो है अपने सीट से नहीं उतरता है और वो दूध का एक बोतल जो है दरवाजे पर नहीं रख करके आता है, वो तब तक इंतज़ार करता है।
तभी क्या होता है, जोसेफ बिना विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पायरी वुड टर्न एंड कम अलोंग द अदर साइड, बिना कोई दिशा बताए हुए, विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम द पायरी, ये अपने आप क्या होता है, स्वतः जो है दूसरे सतह की दूसरे दिशा में दूसरे सड़क की ओर मुड़ जाता है। तो सही में जोसेफ जो है एक स्मार्ट घोड़ा होता है इसके लिए, पायरी के लिए। इसमें बताया जा रहा है कि पायरी वुड बोस्ट एट द स्टेबल ऑफ जोसेफ स्किल, जैसा कि नीचे दिया हुआ है, बोस्ट मिस होता है डिंग मारना, डिंग मारना मतलब कि ज़्यादा प्रशंसा करना। तो पायरी क्या करता है, जोसेफ के पास जो कुशल होता है, जो स्किल होता है, उस स्किल को वो तारीफ करता है, कहता है कि मैं कभी इसके लगाम को नहीं खींचता हूँ, आई नहीं छूता हूँ, नेवर टच द रिंस, रिंस मीन्स होता है यहाँ लगान। ही नोज वेल वेयर टू स्टॉप, वो अच्छी तरह से जानता है कि हमें कहाँ रुकना है, वो स्वतः रुक जाता है, ऐसा घोड़ा है। यदि कोई अंधा व्यक्ति होगा तो इसे आसानी से क्या कर सकता है, कोई भी रास्ते में जा सकता है, ये इतना समझदार घोड़ा है। इफ ही हैड जोसेफ टू पुल वैगन, यदि कोई वाहन में यदि क्या लग जाए, जोसेफ लग जाए, तो अंधे व्यक्ति भी इसको चला सकता है। सो इट वेंट ऑन फॉर ईयर्स, ऐसा जो है हमेशा होते रहा, साल भर जो है 2 साल 3 साल ऐसे लगातार जारी रहा दूध देने का काम। पायरी और जोसेफ जो है धीरे धीरे ओल्ड होते गए दोनों। पायरी का जो मूछ था, माउथ स्टेच मतलब क्या होता है, मूछ होता है, आप लोगों को पता होगा। तो पायरी का जो मूछ था जो पूरा उजला हो गया था, काला से उजला हो गया, एंड जोसेफ जो है अच्छी तरह से अपने घुटने पर चल भी नहीं सकता था, घुटना उसका उठ नहीं सकता था मतलब। तो घुटना क्या था उसका, कहने का यहाँ है कि घुटना जो है उसका ऊंचा था इतना कि वो उठ नहीं सकता था। नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। तो आप लोग का जो मीनिंग इसमें दिया हुआ है, मीनिंग क्या कीजिए, आप लोग अपने फेयर कॉपी में इसको उतार लीजिए और डेली जो है आपको आपको जो टास्क है भेज दिया जाएगा, धीरे धीरे आप लोग कंप्लीट कीजिए। इस लॉकडाउन में हम लोग ऐसा ही पढ़ते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या बताया जा रहा है। व्हेन पायरी वाज सिटिंग इन ए सीट, जब पायरी क्या अपने सीट पर बैठा हुआ था, जब पायरी क्या हुआ था अपने सीट पर बैठा हुआ था, तो जोसेफ जो है वो मिल्क का जो वैगन है वो खींचता था। नाइदर ऑफ देम सीम ओल्ड, और ऐसा लगता था कि दोनों में से कोई ओल्ड नहीं हुआ है अभी तक। बट वेन दे फिनिश देयर वर्क, जब वे दोनों अपना काम समाप्त कर लेते थे, पायरी जो है वो लंगड़ा करके चलता था और जोसेफ जो है थके थके अपने अस्तबल में पहुंचता था, थके थके टहलते हुए जा था धीरे धीरे। एक सुबह क्या हुआ, जो प्रोविंशनल मिल कंपनी है के जो प्रेसिडेंट है वो जांच करने आए, कंपनी में जांच करने आए। तब मिस्टर जैक जो मैनेजर था अस्तबल का, वो बोलता है कि इसको पायरी और जोसेफ के बारे में बताता है कि ये अच्छी तरह से संवाद नहीं कर पाते हैं, लगता है कि ये दोनों अच्छे दोस्त नहीं हैं। इस बात को सुन करके, हियरिंग दिस, अगले पैराग्राफ में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि पायरी ऑफ कोर्स इज ए गुड मैन, पायरी जो है सचमुच में एक अच्छा व्यक्ति है। ही हैज़ बीन ऑन दिस रूट फॉर 30 ईयर्स, वो जो है इस रास्ते में 30 साल से काम कर रहा है और उसके बारे में एक भी कंप्लेन नहीं आया, शिकायत नहीं आया है। हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, इसके अगेंस्ट इसके विरुद्ध में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। रजिस्टर मतलब दर्ज करना, या देखिए कंप्लेन में शिकायत करना। बट ही ग्रो ओल्ड, लेकिन वो अब लगता है कि वो बूढ़े होते जा रहे हैं, ओल्ड होते जा रहे हैं, बहुत उम्र हो गया है। टेल हिम डैट ही मे रिटायर, चलो उनको बोल दो कि आप रिटायर ले सकते हैं अगले मंथ से, लेकिन आपका सैलरी हमेशा जैसे मिलता था वैसे मिलता ही रहेगा। एक सुबह क्या होता है, मिस्टर जैक जो है, ए वेरी सैड न्यूज़ फॉर अ पायरी, मिस्टर जैक बोलते हैं कि पायरी के लिए एक बहुत दुखद समाचार है। वेन द लेटर अराइव्ड एट द अस्तबल फॉर द रूटीन वर्क, मिस्टर जैक सेड टू हिम, पायरी जोसेफ डिड नॉट वेक अप दिस मॉर्निंग, ही वाज 25,
दैट्स लाइक 75 फॉर ए मैन। इसमें बताता है एक सुबह मिस्टर जैक जो है मतलब पायरी के लिए एक दुखद समाचार दिखाते हैं कि सुनाते हैं कि ये जो घोड़ा है जोसेफ वो लेटर मतलब लेटर मतलब यहाँ बाद में मतलब लेट से पहुँच मतलब यहाँ दिया हुआ लेटर अराइव लेट अस्तबल अस्तबल में जो है लेट से पहुँच रहा है, अपने रूटीन टास्क को अच्छे से पूरा नहीं कर रहा है। मिस्टर जैक जो है फिर बोलते हैं उससे पायरी जोसेफ जो है पायरी को बताते हैं कि पायरी देखो जोसेफ जो है अभी तक उठा नहीं है, इस सुबह उठा नहीं है, वो 25 वो 20-25 साल का है, लग रहा है कि अब मानो वो 75 साल का हो गया है। दैट्स लाइक 75 फॉर ए मैन। और ये जिस तरह से मनुष्य आदमी जो है 75 साल के हो जाते हैं उम्र में तो दिखने लगते हैं बूढ़े टाइप का, तो वो अभी जो है 25 साल में घोड़ा का जो उम्र है वो 75 साल में मनुष्य के उम्र के जैसा हो गया है, ये बताने का प्रयास करते हैं। तो यस सर सेड पायरी, बोलता है अपने सिर को झुका करके, बो मिस होता है झुकाना है, बो मिस धनुष भी होता है, नाउन पढ़े होंगे नाउन बी ओ डब्ल्यू, बो मिस होता है धनुष, यहाँ हो गया बो मिस सिर झुकाना, तो बो मिस सिर झुकाना नहीं, बो हेड मिस सिर झुकाना। तो यहाँ बताया गया है कि यस सर कह के मतलब पायरी क्या करता है, सिर झुकाता है कि मैं अभी 75 साल का हूँ और मुझे जोसेफ आई कैन सी जोसेफ अगेन, अब मैं जोसेफ को दोबारा देख नहीं सकता हूँ। ऑफकोर्स यू कैन, सही बोले कि जोसेफ को मैं अब नहीं देख सकता हूँ, सेड मिस्टर जैक, ही इज लाइंग इन हिज स्टॉल। वो जो है अपने स्टॉल में पड़ा हुआ है, बहुत शांत है। पायरी स्टूड अप, पायरी उठता है और एक स्टेप आगे बढ़ता है, फिर बोलता है नो नो यू डोंट अंडरस्टैंड मिस्टर जैक, मिस्टर जैक आप नहीं समझ पा रहे हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। मिस्टर जैक जो है स्नेहपूर्वक क्या करता है, पैरी के कंधों पर हाथ रख के बोलता है कि वी विल फाइंड यू अनदर हॉर्स, तुम्हारे लिए मैं दूसरा हॉर्स खोज दूंगा, शायद ये जोसेफ से अच्छा होगा, एक महीने में जो है तुम जो हो उसे सिखा दोगे कैसे रूट में जाना है। लेकिन पैरी का जो आँख है वो दुख से भर गया था, फुल ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ मैंने शोक होता है या दुख होता है, शोक से भर गया था। ही फेल्ट एज इफ हर्ट एंड सॉल वेयर बोथ डेड, और उसे महसूस हो रहा था कि जो उसका हृदय है उसका जो आत्मा है ये दोनों मर चुका है, डेड हो चुका है। टेक टुडे ऑफ, पायरी कहता है मिस्टर जैक, बट पायरी वाज ऑलरेडी ऑन पेमेंट, ये बात बोलता है कि और बोलते बात टेक टू डे ऑफ बोलता है जैसे, तो तुरंत उधर से एक गाड़ी आता है, गाड़ी आते वक्त वो जो है एक गाड़ी के चक्के के नीचे आ जाता है, पेमेंट यानी पटरी यहाँ दिया हुआ है, यानी यहाँ समझिए कि गाड़ी के चक्के के नीचे बोया जाता है। एज ही स्टेप डाउन द पेमेंट, और वो उस गाड़ी के नीचे आ जाता है, मिस्टर जैक हियर द वार्निंग बेल फ्रॉम ए ड्राइवर, मिस्टर जैक जो है वार्निंग बेल भी सुने थे ड्राइवर्स के द्वारा, और वो ड्राइवर जो है ब्रेक भी लगाया था। व्हेन मिस्टर जैक्स वेंट टू द रोड, जब मिस्टर जैक रोड पर गए तो देखे कि पायरी जो है वो गिरा हुआ है रोड पर। जो आपको बोले टेक टुडे ऑफ, पायरी यहाँ जो है ना मतलब वो वहाँ से वो जाने लगा, मिस्टर जैक से बातचीत करके वो जाने लगा, वहाँ जाते वक्त क्या हुआ कि उधर से गाड़ी आया और गाड़ी के चक्के के नीचे वो गिर गया। फिर मिस्टर जैक वहाँ गए रोड पर देखने के लिए, और मिस्टर जैक गए देखने के लिए तो देखें कि पायरी जो है उस रोड पर गिरा हुआ है ना। फिर